लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सीईओ ने ही जहाँ पर शूट करने गया था वहाँ जाके सरप्राइज दिया था अचानक आके, तो सीईओ जो है वो ई के गले मिलता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता है और थोड़ी देर गले लगाता है। और तभी ई पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, और अपने मन में सोचता है कि आज इसके अंदर क्या आ गया है जो ये इस तरह अचानक आ गया है। और वो अपने मन में ये भी सोचता है कि इसके आने की क्या वजह होगी, और बोलता है कि डोर अभी भी बहुत ज़्यादा चौड़े में खुला हुआ है, और बोलता है कि मुझे तुम छोड़ो थोड़ा सा तो मैं जाके डोर को पहले बंद कर देता हूँ, यदि कोई यहाँ से गुजरेगा तो शायद हमें देख लेगा। तो सीईओ बोलता है ओके और यी को थोड़ा सा छोड़ता है करके, और तभी यी दरवाजे से बाहर निकलता है और इधर उधर देखता है कि कोई नहीं है करके, और फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी सीईओ को यी पानी का ग्लास देता है और पूछता है कि इस तरह तुम्हारा अचानक यहाँ आना कैसा हुआ, और तुम्हें ये मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे थोड़ा सा पहले से बता देना चाहिए था कि तुम आने वाले हो। तो सीईओ अपने फीलिंग्स को बिना छुपाए बोलता है कि मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इसलिए मैं इधर आ गया करके। और तभी ही बोलता है ठीक है लेकिन अगली बार तुम यहाँ जब आना तो तुम मुझे पहले से बताना, तो कम से कम मैं उस हिसाब से रेडी भी होके रहूँगा। तो सीईओ थोड़ा सोचता है और उसके बाद अचानक से पूछता है क्या मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ क्या, और तभी ये बोलता है नहीं नहीं तुम मुझे बॉदर नहीं कर रहे हो, बस मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम आज ऐसे अचानक आ जाओगे, और यदि तुम ऐसे अचानक हमेशा आओगे तो क्या होगा, यदि कभी मैं रात में शूट कर रहा हूँगा तो तुम मुझे कैसे ढूँढोगे करके। और तभी सीईओ बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत है, मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सीईओ के ऐसे जवाब को सुन के ही को समझ में नहीं आता, बोलता है क्या कह रहे हो, और तुम अपना ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, और यदि मैं वापस नहीं आया रात में तो क्या तुम यहाँ सारा दिन ही बैठे रहोगे, क्या सारी रात बैठे रहोगे, इतने भी सीली मत बनो। तो सीईओ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो एक स्माइल देता है, और वो यी को फिर सीरियसली देखता है, और यी के दिमाग में भी फ्लैशबैक चल रहा होता है कि कैसे सीईओ आया था, सीईओ ने उसे गले से लगा लिया था, और फिर अपने वो पूछता है कि क्या कुछ हुआ है और तुम अपने आपे में आज लग नहीं रहे हो करके। तो सीईओ देखता है और सोचता है कि क्या जवाब दूँ, वहीं यी भी सोच रहा होता है कि क्या ही आंसर मिलेगा करके। तो सीईओ और यी एक दूसरे के देख रहे होते हैं और यी के मन में एक ही सवाल उठ रहा होता है कि क्या अभी कुछ हुआ है क्या, और तब वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं अरे अब बता भी दो कि क्या हुआ है। तो सीईओ वापस वही एक क्वेश्चन करता है कि क्या मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ क्या, मतलब सीईओ की जो प्रेजेंस है उससे क्या यी को इफ़ेक्ट हो रहा है क्या। तो यी थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि क्या कह रहे हो, तो सीईओ फिर से बोलता है क्या मैंने तुम्हें बॉदर किया, मैंने अपना प्यार के बारे में तुमसे कन्फेशन किया करके, तो क्या और मैं तुम्हें पटा भी रहा हूँ करके, तो क्या ये सारी चीज़ों से तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, मतलब मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ क्या करके। अब वो पानी का ग्लास नीचे रखता है और सीईओ खड़े होता है और फिर से यी से सेम क्वेश्चन पूछता है, और तभी सीईओ बोलता है कि यदि मान लो हमें कोई देख लेता है तो क्या ये चीज़ तुम्हें बॉदर करेगी क्या, और मैं यहाँ तुम्हें इस तरह देखने के लिए आया हूँ। और ये कहते कहते ना यी जो है बिस्तर पे बैठ जाता है, उसको एक तरीके से सीईओ बिस्तर पे बैठने के लिए पुश कर रहा है। अब यी बोलता है कि सडनली तुम मेरे से ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो करके, और इतने सारे क्वेश्चंस तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वाकई में सीईओ के मन में आज क्या ही चला गया है जो वो इस तरह की बातें कर रहा है। और तभी सीईओ अपने आप ही मन में बड़बड़ाने लगता है कि हाँ तुम वाकई में ऐसा फील करते होगे कि मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ। तभी ना ये और कन्फ्यूज़ हो जाता है और बोलता है अपने मन में बोलता है कि जो ये आदमी है ये अपने आप से ही बात कर रहा है, मैंने तो अभी तक इसको कोई आंसर भी नहीं दिया है। अब दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगते हैं, तभी यी को रैन रैन की बात याद आती है कि कैसे उसने कहा था कि एक दिन आएगा जब दूसरा इंसान इंतज़ार करते करते उसका पेशेंस ख़त्म हो जाएगा, और जब तुम्हें
फाइनली एहसास होगा कि कोई तुम्हें चाहता है करके, तब क्या वो वहाँ पर होगा तुम्हारे लिए? क्योंकि तुमने इतने समय तक उसको बेचारे को लटका के रखा, और तो कितना वेट करेगा ना एक आदमी। और तभी उसे ये भी याद आता है जबकि रैन रैन बोलता है कि शायद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। इन दी एंड जब सब कुछ हो जाएगा तो शायद तुम्हें ऐसा भी रियलाइज़ होगा। और इन सब के बीच में उसने अपना सारा एनर्जी और टाइम तुम्हारे पे इन्वेस्ट कर दिया होगा। और ये कुछ एकदम से अच्छा सा महसूस नहीं होता ना किसी का, हम इतना टाइम वेस्ट करा है, एनर्जी वेस्ट करा है, और बाद में हम उसको उसके कन्फेशन को हम कोई आंसर ना दें। तो एज ए एडल्ट जो है तुमको आना चाहिए कि तुमको यदि कोई पसंद नहीं है तो उसे ना कह दो, और यदि तुम्हें कोई पसंद है तो उसे डायरेक्टली हाँ कह दो। और इस तरह के मतलब अजीब से एक्सक्यूज़ भी मत बनाओ कि किसी को गलत होप मिले करके। और कौन कहता है कि हम लोग अपना कैरियर नहीं बना सकते जब हम प्यार में होते हैं तो? और जो एक्टर्स होते हैं वो अपना जो लिविंग है मतलब उन अपनी जो कमाई है वो अपने एक्टिंग स्किल्स से करते हैं, और हम जो हैं अपने फैंस का दिल भी जीत सकते हैं, लेकिन हम कभी भी प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हम हैं हम वैसे ही रहेंगे, हम वो नहीं बन सकते जो हम नहीं हैं करके, और हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसा हम हैं, हमें किसी के लिए बदलना नहीं चाहिए। तो ये कोई सारी बातें याद आती है, और तभी वो बोलते हैं नहीं तुम मुझे बॉदर नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा भावुक कर देती है। तुम हमेशा कुछ ऐसा कहते हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता मैं कैसे जवाब दूँ करके, और तुम इधर पे बिना वार्निंग दिए एक तो इधर आ गए। हालांकि ये एक बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़ था कि तुम मुझे देखने के लिए आए। तभी CEO बोलता है सॉरी, और तभी बोलता है लेकिन हम लोग जो है उससे पहले वो कहे उससे पहले उस अपने मन में सोचता है कि वो CEO को किसी भी तरह से ना नहीं कह सकता, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए वो उसको ना नहीं कह पा रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी जो हूँ CEO को पसंद करता हूँ, ये सब अपने मन में सोचता है। तो CEO सोचता है कि ज़रूर ये इसको रिजेक्ट करने वाला है करके, तो बोलता है मैं समझ रहा हूँ मैं बहुत ही सेल्फिश था करके, मुझे तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे पीछे नहीं पड़ना चाहिए था, मतलब पटाने के लिए। और अब जो है अपने मन में CEO सोचता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ इससे शायद ये जो है उसे और अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। पर ये बोलता है कि ऐसा क्यों ना करें कि हम इन सब चीज़ों को एक ट्राई दें मतलब। और तभी ना CEO ना ये की कुछ बात पूरी सुनता नहीं है और आगे से बोल देता है कि ठीक है मैं आपसे तुमको कभी बॉदर नहीं करूँगा, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन उतने में ना ये को लगता है कि उसने क्या सुना, क्योंकि अभी अभी तो ये ने कहा ना कि वो दोनों ट्राई कर सकते हैं करके, तो फिर अभी CEO ने ऐसा क्यों कहा करके। तो ये पूछता है कि तुमने क्या कहा, और तभी CEO भी पूछता है कि तुमने क्या कहा। तभी ना CEO के दिमाग में एकदम से बत्ती जलती है, और वो बोलता है कि तुमने अभी नहीं कहा कि हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही वो ये सेंटेंस पूरा करने वाला होता है ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन CEO बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें सुना कि तुमने ऐसा कुछ कहा है, और वो वापस वही सेंटेंस को रिपीट करने वाला होता है, लेकिन ये जो है उसके मुँह पर हाथ रख देता है और बोलता है तुम जाके शावर ले लो। और तभी काय का शावर, हमारा CEO को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो इन्हें कहा उसे वो चीज़ रिपीट करनी चाहिए कि वो लोग ट्राई कर सकते हैं करके। और तभी ये बोलता है कि बहुत लेट हो गया है और कल सवेरे मुझे जल्दी उठना है करके, तो तुम जाओ और जाके शावर लो। तो हमारा CEO ना ही का हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या तुम वाकई में रेडी हो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए करके, मेरे साथ होने के लिए। तो ये जो है बेचारा ब्लश करने लगता है। अब दिखाते हैं कि CEO जो है बाथरूम में गया है और बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होके अपना शावर ले रहा है, और शावर लेते लेते सोच भी रहा है। तभी उसे याद आता है कि कैसे ही ने कहा कि हम इस चीज़ को एक ट्राई दे सकते, मतलब उनके रिलेशनशिप को वो एक चांस देना चाहते हैं करके। तो CEO जो है वो नहाते नहाते भी ब्लश करने लगता है। अब क्या होता है कि दूसरी तरफ ही जो है वो सोने की कोशिश करता है,
लेकिन उसको नींद नहीं आती और वो सोचता है कि एज लॉन्ग एज वो सो सकेगा उसे कुछ याद नहीं रहेगा। और उसे ये भी लगता है कि वो ऐसे एम्बेरसिंग वर्ड कैसे कह सकता है कि वो इन चीज़ों को ट्राई देगा करके। और तभी मतलब ये सब कहने के बाद एक्चुअली यी जो है बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा होता है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें कभी किसी को कही नहीं हो सकती है, और सोचता है कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। और बाद में वो सीईओ को ब्लेम करता है कि ये सीईओ का ही फॉल्ट है कि वो यहाँ पर ऐसे अचानक आया और मैं अभी तक सोच ही रहा था कि मैं ये सब प्लानिंग करके अपना शूटिंग वूटिंग फिनिश करके उसके बाद मैं सीईओ से मतलब अपने लव लव का कन्फेशन वगैरह करूँगा, और अचानक से सीईओ के आने की वजह से मैंने उसे यहीं पे एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ मतलब सारी ज़िंदगी रहूँगा। और मैंने उसका फेस भी देखा था। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं अपने कहे हुए शब्द वापस ले सकता हूँ क्या? और तभी उसे ये भी याद आता है कि सीईओ कैसे पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगे क्या, और बोलता है मेरी तरफ़ देख के बोलो और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। यहाँ पर सीईओ ने अभी भी यी का हाथ पकड़ा हुआ है और यी से अपनी आंखों में देखने की डिमांड कर रहे हैं और प्लीज़ भी बोलता है। तो जो हमारा यी है बहुत ही शर्मा जाता है, शाह है, और उसकी तरफ देखता है और हल्की सी हामी भरता है। अब क्या होता है कि हमारा जो सीईओ है वो उसके हाथों की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, और अपने मन में सोचता है कि मेरा जो दिल है वो इतना तेज़ क्यों धड़क रहा है करके, और वो यी का हाथ अपने सीने पे रख देता है और बोलता है कि अब ये जो है धड़कने वगैरह और इस टाइप की फीलिंग्स ये सब मेरी हैं करके। और यी भी उसकी हार्ट बीट सुनता है और उसको बहुत ज़्यादा शाय फील होता है, ब्लश करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि इसका दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़क रहा है लेकिन ये फिर भी काम ऊपर से काम दिख रहा है करके। और तभी अपन भी सोचता है कि हो सकता है कि हमारे जो सीईओ हैं वो नर्वस हैं करके। और तभी सीईओ बोलता है तो पक्की बात ना कि तुम मेरे साथ ही रहोगे करके, और ऐसा करके दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। सीईओ यी को अपने गले से लगाता है और फिर से एक बार उसको टाइट हग देता है करके, और दोनों एक दूसरे के कंधे पर सिर रख के बैठे हुए होते हैं और ये सब सारी चीज़ें यी के दिमाग में चल रही होती है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वो यी बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया, मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन जितनी कोशिश करता है यी इन चीज़ों से दूर रहने की और इन चीज़ों के साथ कामनेस दिखाने की, उतना ही वो बेचैन हो जाता है और सोचता है कि इतनी देर हो गई, सीईओ अभी तक बाथरूम से क्यों नहीं आया, और आधा घंटा बीत चुका है, क्या मुझे उसको जाके चेक करना चाहिए? और तभी वो जब उठता है और चप्पल पहन के जाने लगता है तभी वो अपने मन में सोचता है कि एक सेकेंड मैं ऐसा सब क्यों सोच रहा हूँ और मुझे क्या परवाह। और वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है अपना टाइम लो और चाहो तो पूरी रात बाथरूम में पड़े रहो, और ये सब चीज़ें जो ऐसा करने से हम दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे और एम्बेरसमेंट भी नहीं होगा करके। और तभी उसको फिर से याद आता है कि कैसे सीईओ ने कहा था कि मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा, तो ये बोलता है अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज वो कुछ गुड मूड में नहीं दिखाई दे रहा, और इस तरीके से उसने कभी भी मेरे को कुछ भी बताया नहीं है, और उसने हमेशा वो सारी चीज़ें करी है जो मतलब उसे ठीक लगी हो कि वो बेस्ट है। और तो ये जो है इस बार ऐसे आउट ऑफ द ब्लू आके इसने ऐसे कैसे मतलब बोला करके। अब दिखाते हैं कि सीईओ का नहाना धोना हो गया है, सीईओ वहाँ आता है और देखता है कि ये ऐसे ककून बना हुआ है, और तभी ये अपना हल्का सा मुँह निकालता है और कुछ बोलता है कि क्या हुआ करके। तो सीईओ अब हमारा ब्लश कर रहा होता है, सीईओ साइड में बैठता है और यी को अपनी बाहों के बीच में कैद कर लेता है। तभी यी थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है कि तुम कब आए करके, तुमने मुझे डरा सा दिया। और तभी ये बोलता है कि मैं तभी आ गया था जब मेरा नहाना ख़त्म हो गया था, और अपने मन में सोचता है कि यी कितना क्यूट लग रहा है। और तभी पूछता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, और तभी यी बोलता है कि मैं सोच रहा था कि, फिर बोलता है कि मैं इस बात को कैसे कहूँ।
तो ये होता है, अच्छा तो तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, तो ये एक्चुअली पकड़ा जाता है क्योंकि ये वाकई में सीईओ के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन ये बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, और बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने दोगे, तो सीईओ बोलता है ठीक है करो अपनी बात पूरी करो, तो ये बोलता है कि तुमने कभी भी मुझे एक्सप्लेन नहीं किया कि तुम यहाँ अचानक क्यों आ गए और तुम आज इतने डाउन से क्यों दिख रहे हो, और तो तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ और मुझे झूठ नहीं बोलना। तो सीईओ बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें सच सच बताऊँगा जो भी तुम जानना चाहते हो, और क्योंकि अब हम कपल हैं, जैसे ही वो कपल वाला शब्द पूरा बोलने वाला होता ना, हमारा ये इतना ज़्यादा शाय है कि वो उसके मुँह पर हाथ रख देता है और सोचता है कि ये ना ही बोले तो अच्छा है। और तभी सीईओ और ये जो है बिस्तर पे लेट जाते हैं, और सीईओ उसको सारी बातें बताता है कि कैसे एक औरत उसके पास आई थी, तो ये सोचता है अच्छा तो एक औरत आई थी दोबारा से सीईओ को देखने के लिए, और ये बोलता है कि चूँकि तुमने उसको पहले भी उस औरत के साथ मतलब ऐसे दिखावा किया है कवर अप करने के लिए, तो अब तुम क्या सोचते हो कि क्या करना चाहिए। और तो सीईओ बताता है कि ऑब्वियसली मैं उस औरत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ, और वो औरत है ही नहीं जो मुझे कभी भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी, कोई यदि मुझे मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर सकता था तो वो तुम थे, क्योंकि मैं तुम्हें शुरू से प्यार करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि कि वो मुझे देखने आई थी और उसने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को भी कंसीडर करना चाहिए और तुम्हारी ओपिनियन भी मुझे लेनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक जो है वो तुम पे पब्लिक की ओपिनियन का तुम पे कोई फ़र्क ना पड़े, और चाहे मैं तुम्हें बॉदर करूं या ना करूं और ये सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार तुम जो हो पब्लिक फिगर हो, मतलब एक्टर है ना हमारा ही, तो ये अपने मन में सोचता है बड़ा ठीक आंसर दिया है, और यदि इसने ऐसा कहा होता कि ये मेरे बारे में कंसीडर नहीं करेगा तो मैंने इसे अभी तक रूम से और बिस्तर से लात मार के बाहर निकाल दिया होता, लेकिन ये सब अपने मन में सोच रहा है। अब ये पूछता है कि तो फिर तुमने क्या सोचा है और तुमने अपना पोजीशन के बारे में क्या कंसीडर किया है, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं और तुम एक बैचलर हो, और तभी सीईओ बोलता है कि अब मैं बैचलर नहीं रहा, तो और अपना हाथ ये की तरफ बढ़ाता है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, और दोनों एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हैं, और सीईओ साफ साफ बोलता है कि मुझे परवाह नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, और लेकिन मैं अपना रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारा कैरियर इफ़ेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, और मैं जो हूँ वेट करने के लिए तैयार हूँ जब हम सबको बता सकेंगे, और जब तक तुम तैयार होगे, तो ये बात सुन के हमारे ही को बहुत अच्छा लगता है और उसका गाल ब्लश करने लगता है और वो बोलता है ओके, और तभी पूछता है कि तुम्हें कब से मेरे लिए इस तरह के फीलिंग्स है और क्यों करके। अब क्या होता है, ये का सीन दिखाते हैं दूसरे दिन का, जब ये शूटिंग पे जाता है वापस सीन होता है और डायरेक्टर बोलता है कट करो, और बोलता है गुड सीन था और नेक्स्ट सीन में जाना है करके, और उसके बाद डायरेक्टर तारीफ करता है कि हाँ आज सबने बहुत अच्छा काम किया, तो आज के लिए ये वर्क यहीं पे ख़त्म होता है, और तभी दिखाते हैं कि हैप्पी इवेंट सब आने वाले हैं और ये जो है बहुत हाई स्पिरिट में है, और तभी रैमलन बोलता है कि ये आज तो तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है क्या, तो ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो रैमलन बोलता है नहीं इसका मतलब ये है कि वाकई में कुछ अच्छा हुआ है करके, और मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था करके, और तभी दिखाते हैं कि पीछे से एक आदमी उनकी चुपके चुपके फ़ोटो ले रहा है करके, और वो जो फ़ोटो देखता है तो वो बोलता है अपने मन में कि आज भी कुछ भी बड़ा सा हाथ नहीं लगा मेरे, लेकिन फिर वो देखता है कि यहाँ पर हमारा सीईओ दिखाई दे रहा है, और वो अपने मन में बोलता है कि ये तो मिस्टर फैंग का कज़न है तो ये यहाँ पर क्यों आया है करके, और तभी दिखाते हैं कि सीईओ आगे आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है और मिस जैंग जो है वो उनके पीछे चल रही है, और सीईओ और ये सबको हाय हेलो करते हैं, तभी ये जो
पीछे से उनकी फ़ोटो चुप चुप के खींच रहा होता है फोटोग्राफर, वो अपने मन में सोचता है क्या ये एक दूसरे को जानते हैं क्या, और ये लोग बहुत इंटीमेट भी लग रहे हैं। तभी हमारे दिखाते हैं कि कैसे ही को मैसेज आ रहे थे सीईओ के कि क्या अभी तक तुम काम कर रहे हो क्या तुम, तो ये बताता है हाँ मैंने अपना शूट ख़त्म किया लिया है और सब कुछ अच्छा चल रहा है करके, और सीईओ बोलता है हाँ मुझे ये जान के खुशी हुई और यहाँ पर भी सब अच्छा चल रहा है और मैं घर जा रहा हूँ करके। तो ये बोलता है ओके, और रैन जो है ना चुपके चुपके से देखने की कोशिश करता है कि ये क्या टाइप कर रहा है और पूछता है कि तुम क्या टाइप कर रहे हो, और तब वापस यही दिखाते हैं कि कैसे उनके मैसेज का बात होता है कि ठीक है तुम अच्छे से रहना यहाँ सब अच्छा चल रहा है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अब ये वाला मैसेज देख के तो ये जो है उसका मुँह खुला रह जाता है और रैन बोलता है ओ माय गॉड, और वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है ये उसके मुँह के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है थोड़ा अपनी आवाज़ धीरे रखो, और तभी रैन एकदम खुश हो जाता है और वो भी ब्लश करने लगता है और बोलता है यानी इसका मतलब अब तुम लोग साथ में हो, मतलब सी और ये अब साथ में है, और बोलता है मुझे ये सुन के बहुत ही शौक हुआ, और फिर बोलता है ये अच्छी बात है एटलीस्ट तुम लोग टुगेदर हो गए साथ में हो गए और अब चलो मुझे बताओ करके कि क्या हुआ था मुझे सब कुछ है। तो ये बोलता है अपनी आवाज़ नीची रखो, कल रात को मुझे सीईओ देखने आया था तो मैंने उसने जो भी कहा मैंने वो सब एक्सेप्ट कर लिया और मैंने सोचा कि हमें इस चीज़ हमारे रिलेशनशिप को ही ट्राई देना चाहिए। तो रैन बोलता है हाँ तभी आज तुम्हारा स्किन वगैरह बहुत ग्लो कर रहा है और मैं सोच रहा था कि तुमने कौन सा स्किन प्रोडक्ट यूज़ किया करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में सीईओ उस चीज़ में काफ़ी अच्छा है वो करने में। तो रैन बोलता है तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये जल्दी से बोलता है कि अरे तुम अपना मुँह बंद रखो करके। अब क्या होता है हमारा सीईओ सारे मैसेजेस को देखता है और वहाँ बोलता है कि अगले वीकेंड पे ना रूरू की कोई क्लास नहीं है तो क्या मैं तुम्हें देखने के लिए आऊँ क्या रूरू के साथ, क्योंकि रूरू भी तुमको बहुत मिस करता है। और लेकिन ये सब बातें करते वक्त जब वो मैसेज ये टाइप कर रहा होता है तो वो मोमू के साथ बैठ के चाय भी पी रहा होता है और मोमू सीईओ को बहुत गौर से देख रहा होता है क्योंकि सीईओ का सारा ध्यान अपने फ़ोन में होता है, और तभी मोमू पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, तो सीईओ बिना कुछ शर्माए वगैरह बोलता है हाँ मैं डेट कर रहा हूँ, और तभी मोमू ना ठीक से सुनता नहीं है कि सीईओ ने कहा है कि हाँ वो डेट कर रहा है करके, और वो बोलता है कि तुम्हारा तो किसी में कितना बेवकूफ़ हूँ तुम्हारा तो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में होना इम्पॉसिबल सा है, और तभी ना उसके दिमाग में एकदम से बल्ब जलता है, उसे एकदम से एहसास होता है कि उसने हाँ शब्द सुना था करके, तो वो पूछता है अभी भी तुमने क्या कहा जरा फिर से कहना, तो सीईओ बोलता है हाँ मैंने तुम्हें ये कहा कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और डेटिंग कर रहा हूँ, तो मोमू को एक ना झटका सा लगता है और मोमू की चाय जो है वो गिर जाती है और बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ो बताओ बताओ नेक्स्ट क्या हुआ करके। तो सीईओ बताता है ब्रश करते हुए कि मैंने वहाँ गया और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करा और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स कब से मतलब थी करके, तो मुँह पूछते हैं हाँ तो फिर तुमने क्या आंसर दिया, तो सीईओ बताता है मैं सोच ही रहा था कि मैं उसे के क्वेश्चन का आंसर दूं लेकिन जैसे ही मैं आंसर देने के लिए गया तब तक ही सो चुका था, तो मुँह उतर जाता है बोलता है तुम हर चीज़ टाइम पे मिस कर देते हो करके और तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें उसको आंसर दे देना चाहिए था बिना हिचकिचाए कि मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट साइट में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हें कभी अपने दिमाग से जाने नहीं दे पाया और तुम ही मेरे ज़िंदगी का प्यार हो करके, और उसके बाद ना तुम्हें अपना मूव करना चाहिए था मतलब इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था और अपने फीलिंग्स उसको बता देना चाहिए था आफ्टर और अब तुम दोनों कपल्स हो करके। अब क्या होता है कि वीकेंड आ जाता है और सीईओ और रूरो जो है फ्लाइट से ही के पास में पहुंच जाते हैं, और सीईओ पहुंचने के बाद बोलता है कि रूरू जो है फिर से सो गया करके, और तभी ही बोलता है कि हाँ बच्चों को बड़ा होने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है तो इधर लाओ रूरू को मुझे देखने दो कि उसने कुछ वेट गेन किया है कि नहीं, और अब तो ये बड़ा हो गया है और हेल्दी भी है और तुमने रूरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और वो ऐसा कहके सीईओ को अपने कमरे में बुलाता है, और तभी सीईओ बोलता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया,
तभी बोलता है तुम अपनी आवाज़ थोड़ा धीरे रखो, और अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, क्या होगा यदि तुम रूरू को जगा दोगे, यदि तुम्हारी आवाज़ ऊंची होगी तो। और तो सीओ बोलता है अरे वो कुछ जागने वाला नहीं है, वो तो एक लकड़ी की ढेर की तरह सो जाता है, इतनी गहरी नींद में सोता है। अब दिखाते हैं कि रूरू को यी बिस्तर पे लिटाता है, और सी और यी दोनों मिलके रूरू को देख रहे होते हैं, और उनकी आंखों में उनके बच्चे के लिए एक अच्छा सा प्यार उमड़ रहा होता है, क्योंकि इन दी एंड ये दोनों ही अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। और तभी सीओ क्लोज आता है और पूछता है कि यी क्या आज मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ करके, और वो यी का हाथ पकड़ता है, और यी उसका हाथ पकड़ के उसको बोलता है चलो उधर चलते हैं पहले। और यहाँ पर रूरू उसको सोता हुआ छोड़ देते हैं और दोनों एक कोने में जाते हैं और फिर एक दूसरे को हग करते हैं। और तभी सीओ बोलता है क्या मैं तुम्हें और थोड़ी देर हग कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ करके, और हमारा ये जो है वो ब्लश कर रहा होता है, और फिर वो हाँ तो नहीं बोलता लेकिन खुद ही आगे से बढ़कर सीओ के गाल में किस कर देता है। अब दोनों ही बहुत ब्लश कर रहे होते हैं, और तभी फ़ोन की घंटी बजती है, और ये जो हमारा सीओ का कज़न है यानी उनके अंकल का लड़का, वो यहाँ पर पार्टी शार्टी में होता है, और उसको फ़ोन आता है तो वो जो हमारा फोटोग्राफर है वो बोलता है कि मुझे पिक्चर्स मिली हैं लेकिन हमारे ये कज़न को, सीईओ के कज़न को सुनाई नहीं आता है, और बोलता है तुमने क्या कहा क्या कहा। तो वो आदमी वहाँ से बोलता है कि मुझे कुछ पिक्चर्स मिली है, तो ये आदमी फिर से बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं आ रहा, तुम ज़ोर से बोलो। और तभी वो बोलता है कि मेरे पास उनकी पिक्चर्स हैं। अब सीईओ के कज़न का ध्यान जाता है कि फ़ोटोग्राफर ने बोला कि उसके पास पिक्चर हैं, और तभी वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है जिन्हाओ करके, कि तुमने जिन्हाओ के पिक्चर्स ले लिए हैं करके। और तभी दूसरे लोग बोलते हैं कि तुम इस तरह कैसे फ़ोन पे बात कर सकते हो जबकि हम लोग यहाँ पर फ़न कर रहे हैं, और हमको तुमको पनिश करना पड़ेगा, और तुम एक और एक ड्रिंक लो करके। और दूसरा बोलता है कि इसका फ़ोन इससे छीन लो, और बोलता है कि चलो चलो तुम ड्रिंक करो। और तभी ये लड़का बोलता है कि मुझे अपना कॉल तो फिनिश कर लो, और तभी मैं अपना फ़ोन तुम्हें दूंगा करके। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं तुमको पहले पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, और ऐसे में उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। और तब क्या होता है, ये आदमी सोच रहा हो वहाँ पर बड़बड़ा रहा होता है कि हाँ मैं फ़ोटो खींच रहा था, और ये सब सुनता है कि वहाँ पर क्या आवाज़ें आ रही है, वन मोर राउंड ये वो। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैसे ही और सीईओ जो है कैसे मिले करके, और ये सीन जो है उनके लैपटॉप पे कैद हो जाता है, और लड़का सोचता है कि तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और जिन याओ जो है वो यी को देखने के लिए मिडिल नाइट में एक बच्चे के साथ आया है, तो इनका जो रिलेशन है वो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है करके। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, अरे मुझे अपना जॉब मिस्टर फैंग के लिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, और लेकिन मैं कुछ भी रिस्क में नहीं डाल सकता ना, क्योंकि यदि जिन याओ को पता चल गया तो शायद कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। अब ये जो हमारा रूरू है ये उठता है और बोलता है भाई मैं तो बहुत अच्छे से तैयार हो गया हूँ, अब हमें चलना चाहिए। और तभी दिखाते हैं कि यी भी तैयार हो जाता है और बोलता है कि हम लोग आ रहे हैं, तो रूरू बोलता है अरे जल्दी करो जल्दी करो, और सीईओ बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं लेट्स गो। और तभी ये बोलता है कि तुम्हें भी कैप पहनना चाहिए, और इससे क्या होगा तुम्हारा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा लो दिखेगा, और मेरे पास ज़्यादा फैंस तो नहीं है लेकिन फिर भी तुम सबकी नज़रों में आ सकते हो करके। वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे उससे पहले ही सीईओ बोल देता है ओके मुझे तुम ये कैप को पहनने में मदद करो, और सीईओ हमारे सीईओ को हमारा ये कैप पहनाने में मदद करता है। और तभी सीओ पूछता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो ये बोलता है हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो और हमेशा तुम सूट वूट पहने रहते हो, उससे तो काफ़ी डिफरेंट दिख रहे हो, और ये एक अच्छा चांस है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं, और मुझे ऐसे ड्रेसअप नहीं होना था जैसे कि मैं काम पर जा रहा हूँ। तो ये जब सुनता है कि डेट, तो उसे थोड़ा सा आश्चर्य होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं इसे डेट तो नहीं कह सकता, और ये तो मेरे आज दिन का छुट्टी है, इसलिए हम रूरू को
अम्यूजमेंट पार्क में साथ में ले जा रहे हैं। अब ये लोग पार्क में जाते हैं, रूरू तो बहुत हैप्पी हो रहा होता है, बोलता है जल्दी चलो जल्दी चलो, और इतने सारे झूले और तरह तरह के वाटर पार्क वगैरह देख के रूरू को बहुत ही मज़ा आता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और रूरू ही और सीईओ सब भागने लगते हैं, और तभी रूरू एक राइड में बैठता है और बोलता है कि कैप्टन रूरू रेडी है, अब तुम प्लेन को उड़ाओ। और सब तभी वहाँ पर बोलते हैं सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए करके। अब ये रूरू का वीडियो बना रहा होता है, एक्चुअली ये लोग सब उस सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर अपना भी वीडियो बना रहा होता है और दोनों मिलके सेल्फी खिंचाते हैं करके। अब क्या होता है, दिखाते हैं कैसे यी और रूरू वो घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, रीरी यी जो है फिर से फ़ोटोज़ वगैरह लेता है, और ये लोग वो जो हमारी होती है जहाँ पर झूले होते हैं वहाँ की फेरी व्हील्स में बैठते हैं। और तभी क्या होता है, यी को ना थोड़ा सा प्यूक सा होने लगता है क्योंकि आखिरकार फेरी व्हील्स में चक्कर वगैरह भी आते हैं। तभी रूरू बोलता है कि मुझे उस वाली चीज़ पे भी राइड करना है करके, तो ये लोग यहाँ पर आते हैं। तभी सीईओ बोलता है कि क्यों नहीं तुम रूरू के साथ दूसरा राइड भी ट्राई करो, और कैसा रहेगा कि तुम फेरी व्हील्स भी ट्राई करो। तो जो रूरू है बोलता है नहीं नहीं मुझे तो यही राइड करना है। तो यही अपने आप को संभालता है और बोलता है चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, और हमें वैसे भी यहाँ आने का बार बार मौका नहीं मिलता है तो हम चलते हैं। और ना तभी कहता है ये लोग वो कप सॉसर वाली राइड में बैठते हैं जो स्पिन कर रही होती है, और इससे तो यी का जो है वो हो जाता है, मतलब और भी ज़्यादा उसको चक्कर आने लगते हैं। अब रूरू और भी बड़े झूले को देख के खुश होता है। और तभी सीईओ जो है पानी का बॉटल लाता है और यी को देता है कि तुम पानी पियोगे तो तुम्हें ठीक बेटर फील होगा। यी पानी पीता है लेकिन रूरू को ये सबसे कोई लेना देना नहीं क्योंकि रूरू फाइनली अपने आप को बहुत इन्जॉय कर रहा है। और तभी सीईओ बोलता है कि एक काम करो थोड़ी देख ले तुम मेरे कंधे पर सिर रख के बैठ जाओ तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यी बोलता है ओके। अब क्या होता है, ये दोनों भी झूले में बैठे होते हैं और सोचते हैं कि आज से पहले मैं कभी भी रूरू को एम्यूजमेंट पार्क नहीं लेके आया। यी सीईओ को बताता है और बताता है कि मैं हमेशा सोचता था कि रूरू जो है अभी बहुत छोटा है, तो ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में कभी कर सकते हैं और तब करेंगे जब मैं बहुत बिज़ी नहीं होगा। और मैंने बहुत बार रूरू को इस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटमेंट किया जिससे रूरू दुखी हो जाता था और रोने लग जाता था, लेकिन आज रूरू जो है हैप्पी है, ऐसा सीईओ कहता है। और तभी ये होता है कि थैंक यू, यदि तुम नहीं होते तो शायद ऐसा कभी नहीं हो सकता था, और मैं कभी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता उसे अम्यूजमेंट पार्क लाने के लिए। और बोलता है कि मैं वाकई में तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और तभी सीईओ बोलता है हाँ तो फिर तुम कैसे मुझे थैंक यू करने वाले हो करके। अब दिखाते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं झूले के अंदर बैठे हुए, और रूरू का ध्यान झूले के बाहर होता है, वो कुछ खास देखता नहीं, और दोनों हमारा यी और सीईओ एक दूसरे को किस कर लेते हैं और रूरू का सारा ध्यान बाहर होता है और वो बताता है कि हम लोग कितना ऊपर हैं और बोलता है यी यहाँ पर देखो करके। तभी जैसे ही रूरू उनकी तरफ दिखता है यी सीईओ को एकदम से पीछे की तरफ ढकेल देता है, और तभी रूरू भी पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तो यी बोलता है नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, और सीईओ बोलता है कि रूरू बाहर देखो फायर वर्क जो है पटाखे जो है कितने सुंदर लग रहे हैं, अभी वो फूटने ही वाले हैं। और देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली कोई फटाका वटाका फूट नहीं रहा होता है, लेकिन रूरू फिर भी फटाके ढूंढ रहा होता है। और इसी बीच में सीईओ एक और केस यी से चुरा लेता है, और यी बोलता है अरे रूरू अभी भी यहाँ पर है, और क्या तुम वेट नहीं कर सकते हमारे घर जाने तक का। और तभी सीईओ बोलता है कि अरे कोई बात नहीं हमें ना रूरू ने देखा नहीं। तभी फायर वर्क शुरू हो जाता है, फटाके फूटते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। ये तीनों मिलके फटाके देखने लगते हैं, यी और सीईओ भी बहुत खुश होते हैं। तभी सीईओ बोलता है कि यी आई लव यू, और यी की जो है आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। अब क्या होता है कि रूरू सीईओ और यी की फ़ोटोज़ जो है लीक हो जाती हैं,
और तरह तरह की बातें होती है कि देखो ये कैसे कपल हैं, इनके जेंडर के बारे में होती हैं बातें, और सेम जेंडर से प्यार करने के बारे में रिलेटेड में इनकी बातें फैल जाती हैं इधर उधर। वाई सोचती है कि मैं इसके पोस्ट को लाइक कर देती हूँ और लाइक करके अनलाइक कर दूंगी तो लोगों का अटेंशन मेरे पे जाएगा और मैं लोगों को कह दूंगी कि मेरे से गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया था इसलिए लाइक हो गया, या ये भी कह सकती हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो किसी और ने हैंडल किया और इसीलिए ये लाइक हो गया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये जो है अभी भी अपना शूट में लगा होता है और वो अपने टेक्स दे रहा होता है। तभी ये लड़कियाँ पीछे आती है और सोचती है कि ये अभी भी यहीं पे है, और ये जो है वो अपने डायलॉग बोलता है कि थोड़ा मेरे पे विश्वास रखो करके, और डायरेक्टर बोलता है ठीक है अच्छा गया सीन, नेक्स्ट सीन पे जाते हैं। तभी ये लड़की बोलती है ही मैंने सुना है कि जो तुम्हारा सन है वो अब 3 साल का हो गया है, तो मैं तुम्हें इतने समय से जानती हूँ लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारा एक बच्चा भी है करके। तो यही बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, और तभी लड़की ऐसे दिखाती है जैसे कि अभी तक यही को पता नहीं है, और बोलती है कि अरे तुमने देखा नहीं तुम्हारे फोटोज़ सब इंटरनेट पे तुम्हारे बच्चे के साथ इधर उधर फैल रहे करके, और तुम तो इतना फेमस भी नहीं थे लेकिन रैन रैन ने तुम्हारे को इतना फेमस बना दिया जिसकी वजह से अब सब लोग तुमको ही फॉलो कर रहे हैं, और तो क्या तुम कोई स्टेटमेंट रिलीज़ करोगे क्या। तो ये उसको तिरछी नज़र से देखता है। अब वहाँ पर सब स्टेटमेंट ऐसा होता है कि क्या ये जो है मैरिड है, और क्या ऐसा भी सर्कल में होता है क्या, और क्या ये जो है वो आदमी और औरत दोनों में इंटरेस्टेड है क्या करके, ये सब बातें चल रही होती हैं। अब क्या होता है, ये सारी नज़र सारी न्यूज़ जो है वो मिस्टर ही की फैमिली ने भी देखी होती है, और वो लोग बोलते हैं कि कितने विक्षियस लोग हैं, कितने ख़राब मन के लोग हैं जो ये के बारे में ऐसी बातें फैला रहे हैं, और मैं ये अलाउ नहीं करूँगा करके। तो मिसिज ही बोलती है कि लोग इस बार बहुत दूर तक चले गए हैं, और उन्होंने रूरू को ही नहीं जबकि की प्राइवेट लाइफ लाइफ को भी ऐसे एक्सपोज कर दिया है जो अच्छी बात नहीं है। और तभी जो मिस्टर ही होते हैं वो अपना हाथ टेबल पे पटकते हैं और बोलते हैं जुनान को फ़ोन करो, मतलब इनकी बहू को फ़ोन करने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं कि इसके साथ डील करे करके, हम इस तरह की जो नॉनसेंस बातें हैं और ये की जो रेपुटेशन है उसको ख़राब नहीं होने देंगे। तो मिसिज ही बोलती हैं हाँ क्योंकि ये हमारा बच्चा है तो हम उसे कभी भी गलत साबित नहीं होने देंगे करके। अब ये जो है अपने फ़ोन में देख रहा होता है, तभी फ़ोन बजता है और जो फ़ोन होता है वो सीईओ की तरफ से आता है, और सीईओ बोलता है कि मैंने वो न्यूज़ देखा, मेरी बात मानो कि तुम अपने काम पे सिर्फ फोकस करो और सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो और तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही बोलता है लेकिन रूरू को भी एक्सपोज कर दिया गया और ये मेरा फॉल्ट था, मैंने ठीक से रूरू को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो सीईओ बोलता है कि तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करके करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारे रूमर्स से डील कर लूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बोलता है सॉरी, तो सीईओ बोलता है तुम क्यों सॉरी मांग रहे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ये बहुत दुखी होता है और बोलता है मैं इसलिए सॉरी मांग रहा हूँ क्योंकि यदि मैं थोड़ा सा भी केयरफुल रहता तो ऐसा नहीं होता। तो सीईओ बोलता है यदि तुम ऐसे दुखी रहोगे तो मैं अभी के अभी मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा और तुम्हें देखने आ जाऊंगा। तो ये घबरा जाता है, बोलता है नहीं नहीं तुम मत आना, मैं ठीक हूँ करके, मैं बस थोड़ा सा अपसेट हूँ क्योंकि मैंने रूरू को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया, यदि मैं थोड़ा और ठीक से बिहेव करता तो शायद ये सब नहीं होता करके, और मैंने कभी भी कोई भी टेरेबल चीज़ें नहीं करी हैं जैसा कि लोगों ने मेरे बारे में छाप दिया है, और उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो सीईओ बोलता है तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और चिंता भी मत करो, और इस तरह की स्टोरीज़ तो हमेशा बनती रहती है, तुम इन सबको अवॉइड नहीं कर सकते हो, और तुम ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम्हें वरी करने की ज़रूरत है करके, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा और मैं सब चीज़ों की देखभाल भी ठीक से कर लूँगा। तो ये को थोड़ा अच्छा लगता है और उसको ब्रश करने लगता है वो। तभी सीईओ फ़ोन रखता है और मुँह बोलता है तुम बहुत अच्छे हो लोगों को कम्फर्ट करने में, और सच में प्यार जो है लोगों को बदल देता है। और तभी सीईओ बोलता है कि एक काम करो, ये सब बातों को बंद करो और ये जो आर्टिकल है उसको स्टॉप करो, और जिन लोगों ने ये र्यूमर्स फैलाए हैं सारे प्रूफ्स को इकट्ठा करो और उन सबको स्यू कर दो करके। तो मोमो बोलता है कि मैं एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता हूँ लेकिन ये मेरा काम नहीं है,
और लेकिन फिर भी मैंने पीआर डिपार्टमेंट को कह दिया है कि ये रूमर्स को स्टॉप करें और हमारा जो कंपनी है वो इसे ऑफिशियली रिलीज़ करेगा करके, और मैं जो है तुम्हारे स्वीट हार्ट को प्रोटेक्ट करूँगा करके। और तभी सीईओ बोलता है कि लेकिन तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि और ये किसने किया है, और सारे नेगेटिव इफेक्ट्स जो है उनको भी तुम्हें हटाना पड़ेगा, और इससे ना ये की रिपोटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मोमू बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ और मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम रूरू को लेके गए थे, लेकिन तुम लोग साथ में होने के बाद भी किसी ने ये और रूरू को एक्सपोज कर दिया, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे को एकदम से अवॉइड किया, तुम्हारे फ़ोटो को ब्लर कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि उनका टारगेट जो है वो ये है, और ये ने किसको मतलब ऑफेंड किया है कि सब लोग उसके पीछे पड़ गए। तो सीईओ सोचने लगता है। अब क्या होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये किस तरह का र्यूमर है करके, क्या ये इन लोगों से कनेक्टेड है क्या। अब मोमू देखता है कि एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है और सोचता है कि ये क्या चल रहा है, और वो सीईओ से पूछता है कि सीईओ जिन याओ तुम बताओ क्या चल रहा है, ही फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अब ये जो है अब चीज़ों का फोकस जो है अब ही फैमिली की तरफ आ रहा है, और तभी सीईओ सोचता है कि हाँ उन लोगों ने भी शायद ये र्यूमर्स देखी होंगी। तो मोमू बोलता है आखिरकार चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा भी। तो मोमू बोलता है कि अब जो तुम्हारी फैमिली का ऑफिशियल अकाउंट है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है, अब दो फैमिलीज इतने बड़े बड़े इन्वॉल्व हो गए हैं तो अब किसकी हिम्मत पड़ेगी ये सब करने की। तो सीईओ बोलता है लेकिन मैंने अपने फैमिली को किसी को भी इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कहा था। और तभी मोमू बोलता है कि जो फैंग अकाउंट है उसने कहा है कि ये जो किड है मतलब ये जो बच्चा है वो हमारे फैमिली का, यानी रूरू हमारी फैमिली का है, और वो लोग जो हैं इन लोगों को सू करने वाले हैं जिन्होंने ये र्यूमर्स फैलाई है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स हो गई है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा थियरीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये जो है वो ही फैमिली से रिलेटेड है, और जो ये बच्चा है इसका कुछ रिलेशनशिप फैंग फैमिली से भी है। तो मोमू ऐसे इमेजिन करता है कि ये जो है उन लोगों का नाजायज़ बच्चा होगा ही फैमिली का करके, और फिर वो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तभी वो बोलता है कि यदि इस तरह का कुछ है तो इस तरीके से तो तुम उसके कज़न बन जाओगे, और अपने कज़न से प्यार करना ये कुछ अच्छी बात नहीं है, और कज़न को पार्टी में किस करना भी अच्छी बात नहीं है, पर जब तक तुम हैप्पी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मोमू सब कुछ गलत ही समझ रहा होता है, उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है वो ही फैमिली में उनकी बेटी का बच्चा है, और फैंग फैंग जो है मतलब हमारे सीईओ है वो अलग फैमिली के, तो वो पता नहीं क्यों इन दोनों का रिलेशन ऐसे कज़न्स जोड़ने लगता है। और तभी सीईओ बोलता है क्या ग्रैंडपा ने तुमको कहा कि इस तरह का स्टेटमेंट पोस्ट करना चाहिए। तो मोमू बोलता है नहीं ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है करके, और ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी बहुत सीरियस हो गई हैं, इसमें ही फैमिली भी इन्वॉल्व है और तुम्हारी फैमिली भी इन्वॉल्व है करके। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं ये दरवाज़ा खोलता है और अपने सामने सीईओ को पाता है और पूछता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आ गए, और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सीईओ को चिंता हो रही होती है। तो वो बोलता है मैं तुम्हें देखने आया हूँ, और जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो ये ब्लश करता है और बोलता है ठीक है तुम अंदर आ, और जाके एक गिलास पानी लाता है और सीईओ को देता है। सीईओ पानी का गिलास लेता है और थैंक यू बोलता है, और तभी ही बताता है कि मेरे मम्मी पापा ने और ही फैमिली मतलब ग्रैंडफादर वगैरह ने मुझे अभी कॉल किया था करके, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। बट मिस्टर लिन ऑल्सो मतलब मिस्टर लिन ने भी मुझे ये कहा कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना रीशेड्यूल करना है शूट को और मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए अपने पर्सनल अफेयर्स को सॉर्टेड आउट करने में। तो सीईओ बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और तभी बताता है कि मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही इन चीज़ों को हैंडल करूँगा, पर मुझे नहीं लगा था कि हमारे दोनों हमारे फैमिली जो हैं ही फैमिली और फैंग फैमिली वो लोग स्टेटमेंट रिलीज़ करेंगे, और ये जो है एक बहुत सेंसिटिव इशू बन गया है अभी करके। और जब दो मेजर फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं तो
बहुत सी चीज़ों का फोकस उन पे चला जाता है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, और ये सारी चीज़ें जो है फिर सब फ्रिंजी सी हो जाती हैं। और हमें तुम्हें जो है इस विषय पे साइलेंट रहना चाहिए, कोई कितना भी कुछ भी कहे तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलता है एक्चुअली ऐसा जो है मैंने पहली बार फेस किया है, और मुझे पहले बहुत ही पैनिक हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं कैसे इसे फेस करूं करके, और मुझे नहीं लगा था कि मेरे फैमिली वाले इतने सपोर्टिव होंगे और मेरा इतना केयर करेंगे, और तुम भी मेरा बहुत केयर करते हो जिसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। यदि तुम लोग सब नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो क्या कहते हैं, सीईओ बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा कह के उसके माथे पे एक छोटा सा किस करता है और बोलता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी सीईओ के कंधे पे सिर रखता है और बोलता है कि जो स्टेटमेंट तुम्हारी फैमिली ने दिया था उसके बारे में क्या कहते हो। और तभी फैंग फैंग बोलता है कि वो मेरे से लेना देना नहीं है, हो सकता है कि ग्रैंडफादर को ये आइडिया आया हो, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि रूरू की आइडेंटिटी को पब्लिकली एक्सपोज करें, पर मैंने हमेशा उनको मना कर दिया था। लेकिन अब तो ये सारे रिपोर्टर्स ने ही एक्सपोज कर दिया है एक्सीडेंटली, तो हो सकता है वो इस अपॉर्चुनिटी का ठीक से फ़ायदा उठाए। और सीईओ उसको सॉरी कहता है। तो ये बोलता है तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और तुमने तो कहा था कि हमें ऐसी चीज़ के लिए अपोलॉजी नहीं करनी चाहिए जिसके लिए हमने कभी कोई गलती ना करी हो। तो सीईओ स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है। और तभी ये बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ ये जान के कि मैं ही फैमिली का मेंबर हूँ। तो सीईओ बताता है एक्चुअली मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ये जो मैटर था वो तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में था, और मुझे लगा कि मुझे ये तुम्हें नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये मेरा मैटर नहीं था। तो मुझे लगा कि उनके पास कोई वजह होगी, तभी उन्होंने ये चीज़ तुमसे छुपाई थी, इसीलिए मुझे लगा कि उन्हीं को बताने में ठीक रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताया। और फिर वो एक बार सॉरी फिर से बोलता है। तो ये बोलता है ठीक है मैंने तुम्हारा सॉरी जो है एक्सेप्ट कर लिया है, पर लेकिन अगली बार से तुम्हें सब चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी और कोई सीक्रेट नहीं रख सकते। बहुत सीरियस होकर ये बोलता है कि इस बार तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर दे रहा हूँ, माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो सीईओ ही को हक करता है और बोलता है थैंक यू योर हाइनेस मुझे माफ़ करने के लिए। अब क्या होता है कि दूसरी तरफ दिखाते हैं मिस्टर ही मिसिज ही बैठे होते हैं, और यहाँ पर हमारे सीईओ के ग्रैंडफादर भी आए होते हैं, ये तीनों मिलकर चाय पी रहे होते हैं। और ग्रैंडफादर बोलते हैं, मतलब ही फैमिली के जो ग्रैंडफादर हैं वो बोलते हैं कि रूरू जो है वो हमारी फैमिली का मेंबर है, तो वो तुम्हारा फैमिली का ग्रेट ग्रैंडसन कैसे बन गया। तो अब सीईओ के ग्रैंडफादर बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, और बोलते हैं मुझे जहाँ तक पता है लिंगबाई की तो शादी भी नहीं हुई है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये लिंगबाई का बच्चा हो करके। तो मिस्टर ही थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है, तो मिसेज ही बोलती है कि तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है ग्रेट ग्रैंडसन के बारे में सोच सोच के, और ऑफ कोर्स ये लिंगबाई का बच्चा थोड़ी ना है। और तभी ये भी बोलती है कि लेकिन फिर भी रूरू जो है वो हमारी फैमिली से रिलेटेड है, तो जो प्रेस में हमने कहा है वो हमारी फैमिली का अफेयर है करके, और तुमने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया। तो जो हमारे सीईओ के ग्रैंडफादर हैं वो फ़ोटो निकालते हैं रूरू की और अपनी और दिखाते हैं, और बोलते हैं रूरू मेरा ग्रैंडसन है और वो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है करके फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि मीडिया ने ऐसा कुछ र्यूमर फैला दिया है और कि नो नेम एक्टर के साथ में है, और मैं उन लोगों को सबको सीयू करूँगा जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है। और ये जो मिस्टर ही होते हैं वो फिर से गुस्से में आ जाते हैं, बोलते नहीं रूरू जो है वो मेरा ग्रैंडसन है और मैं तुम्हें अपना ग्रेट ग्रैंडसन ले जाने नहीं दूंगा। और जो ही है वो ऐसा नहीं है कि उसका कोई नाम वाम नहीं है, वो भी मेरा ग्रैंडसन है करके, और तुम्हें अपना मुंह देख के बात करनी चाहिए। तो ये मिस्टर फैंग हैं जो हमारे सीईओ के ग्रैंडफादर हैं, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते क्या ग्रैंडसन और ये क्या बोल रहा है, क्या इसकी सिर्फ एक ही ग्रैंड डॉटर नहीं है क्या। तभी मिस्टर ही बताते कि तुम भूल गए कि मेरे पास एक बेटी भी थी, तो मेरी बेटी का जो बच्चा है वो यही है और वो बहुत सालों के बाद इधर आया है करके, और हमने ये चीज़ पब्लिकली अभी तक पब्लिश नहीं की है। और ये जो है
हम ये ट्रुथ को डिनाई नहीं कर सकते कि वो मेरी बेटी है करके। और ये जो है यी का फ़ोटो और रूरू का फ़ोटो दिखाते हैं, बोलते हैं ये मेरा ग्रैंडसन है और उसका जो बच्चा वो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है, और ये जो है देखो हमारा ग्रैंडसन कितना अच्छा दिख रहा है। और तभी ना मिस्टर फैंग को, मतलब सीईओ के ग्रैंडफादर को लगता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, तो वो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम देखो फैंग फैंग को और ये मेरा ग्रैंडसन है और जो उसकी गोदी में रूरू है वो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है, यानी जिन याओ का बेटा है। और तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि अरे जिन याओ तो सिर्फ ही का फ्रेंड है करके, और ही जो है बहुत काम में बिजी रहता था और इसीलिए जिन याओ जो है वो उसको रूरू को देखने में मदद कर रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और तभी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ट्रुथ बता रहा हूँ, और देखो ये हमारी फैमिली जैसा ही दिखता है और ये हमारी फैमिली का मेंबर है, अपनी आंखें ठीक से खोलो और देखो इसमें हमारी फैमिली का कितना रिजेंबल होता है। और तभी ना सीईओ के ग्रैंडफादर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ये एक सीरियस मैटर है और तुम जोक मार रहे हो, और जिन याओ जो वो मुझसे थोड़ी ना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर झूठ बोलेगा। तो मिस्टर ही बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन करने की, चलो हम शर्त लगाते हैं और जब रूरू यहाँ आएगा तो हम रूरू से ही पूछ लेंगे कि कौन किसका ग्रेट ग्रैंडफादर है करके। और तब भी मिसेस ही बोलती है हाँ हाँ जाओ हमारे ग्रैंडसन को भी फ़ोन करो और उसको बोलो कि वो पर्सनली रूरू को यहाँ पर लेके आए करके। अब जो है हमारे सीईओ के ग्रैंडफादर जो है वो गुस्से में होते हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं हाँ बुलाओ, इससे तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तुम दोनों जो बहुत ही अनरीजनेबल हो। तो ये दोनों मिस्टर ही एंड मिसेस ही बोलते हैं तुम ना ई को कॉल करो और उसको यहाँ पर अपना रूरू को लाने के लिए बोलो और जिन याओ को भी कॉल करो। अब क्या होता है दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जिन याओ और ही जो है अभी सो रहे होते हैं एक ही बिस्तर में और दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं और उनका फ़ोन फिर बजने लगता है, देर तक फ़ोन बजता है और ये बोलता है कि जिन याओ तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तो सीईओ गैरिन में होता है फिर भी बोलता है और फिर ना देखता है कि यी का भी फ़ोन बज रहा है, तो सीईओ बोलता है तुम्हारा भी बज रहा है, तो दोनों उठते हैं और अपना अपना फ़ोन उठाते हैं, दोनों अभी भी गहरी नींद में होते हैं लेकिन फिर भी हेलो बोलते हैं। अब मिस्टर ही बोलते हैं कि यी क्या तुम उठ गए हो, और उधर पे हमारे सीईओ के ग्रैंडफादर बोलते हैं जिन गया हो क्या तुम उठ गए हो, तो यही बोलता हाँ मैं उठ गया हूँ पर आप लोग इतनी जल्दी क्यों फ़ोन कर रहे हो, मतलब इतनी सुबह सुबह, तो क्या कहते हैं ये बोलता है कि हम लोग ने मतलब यहाँ तक तो ही के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हम लोग ने तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह भी फिनिश कर लिया है, मॉर्निंग टी भी हो गई है। तो दूसरी तरफ जिन याओ बोलता है कि मैं तो आउट ऑफ टाउन हूँ और मुझे कुछ पर्सनल मैटर्स के साथ डील करना है करके, तो ये बोलते हैं हाँ क्या हुआ करके, और उधर सीईओ बोलता है ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। और तभी ही के फ़ोन में से आवाज़ आती है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को सुन सकता हूँ, तो ये बोलता है नहीं नहीं मैं अकेला हूँ। और जिन याओ बोलता है कि क्या अभी आना पड़ेगा, ठीक है मैं जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आता हूँ। और तभी जिन याओ के जो ग्रैंड फादर है वो बोलते हैं थोड़ा ज़ोर से बोलो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और तभी बताता है कि ठीक है मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ और मेरा शूटिंग जो है रीशेड्यूल करता हूँ और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं सीधा आता हूँ। और फिर वो ये दोनों अपने अपने ग्रैंडफादर्स को बाय कह देते हैं और फ़ोन रखते हैं, और यहाँ पर सीईओ भी अपने ग्रैंडफादर को बोल रहा होता है ठीक है मैं फ़्लाइट पकड़ता हूँ और आता हूँ करके। अब ये बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है कि मुझे वापस जाना है और ये शायद इस न्यूज़ र्यूमर्स की वजह से हुआ है और ऐसा लगता है कि ये बहुत अर्जेंट है, तो सीईओ बोलता है हाँ ऐसे ही मुझे भी कहा है और मुझे लगता है कि वो लोग मेरे घर वाले भी इसी बारे में डिस्कस करना चाहते हैं करके। अब दोनों सोचते हैं क्या करें, तो दोनों डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों साथ में ही वापस चले जाते हैं। तो ये लोग हवाई जहाज़ पकड़ते हैं और एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तो अब क्या होता है सीईओ बोलता है कि मेरा जो ड्राइवर आया वो पार्किंग लॉट में है, तो क्या करते हैं कि मैं तुम्हें मिस्टर ही के घर तक छोड़ देता हूँ और उसके आते मैं अपने ग्रैंडफादर को मिलने चले जाऊँगा। तो ये बोलता है ठीक है ये भी चलेगा, और फिर ये बोलता है मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता देता हूँ जहाँ पर तुम्हें मुझे छोड़ना है, तो ये एड्रेस जो होता है टी हाउस का होता है। तो सीईओ देखता है और बोलता है कि अरे, तो ये बोलता है क्या प्रॉब्लम है, तो सीईओ बोलता है अरे यही एड्रेस तो मुझे भी भेजा गया है, एड्रेस भी सेम है,
तो दोनों फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लिंग वाई जो है अपने नए प्रोडक्ट की पार्टी के में आई है, जहाँ पर उसको उसका नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो रहा है करके। और तभी एक आदमी बोलता है कि हाँ हम लोग सब वेलकम करते हैं लिंग वाई को, और वो आती है और अपना इंटरव्यू देने लगती है, लेकिन बहुत सारे माइक उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। और तभी वो लोग बोलते हैं कि मिस ही आप हमें बताइए कि मिस्टर यी का आपकी फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है, और जो रूरू के बारे में क्या कहते हैं अफवाह फैली है, क्या वो सच है, क्या क्या वो आपका और यी का बच्चा है क्या, और आप लोग कब से मैरिड हैं करके, और क्या कहते हैं हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। ये लोग इतने पागल हैं कि इनको तो ये भी नहीं पता कि लिंग भाई की कभी शादी ही नहीं हुई है। और फिर वो फैंग ग्रुप के भी बारे में पूछते हैं कि उन लोगों ने कहा कि ये जो रूरू है वो उनके फैमिली से बिलोंग करता है, और क्या आपकी फैमिली उनकी फैमिली के साथ कुछ रिलेशनशिप है क्या। और वो लोग सब बोलते हैं आप कुछ तो कहिए कुछ तो कहिए। तो ये जो उनका होस्ट होता है वो बोलता है देखिए हम लोग तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आए हैं, आप उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए और उसके पर्सनल मैटर पर क्वेश्चन मत कीजिए। तो उनमें से कोई पूछता है कि मिस ही क्या ये जो है आपका हस्बैंड है क्या, आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, और क्या आपका उन लोगों से कोई कनेक्शन है क्या। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऐसे लिंग वाई से बहुत सारे सवाल उल्टे सीधे पूछने लगते हैं, कहने लगते हैं, लेकिन लिंग वाई पूरा समय चुप ही रहती है। और तभी वो बोलते हैं कि क्या यी को कोई बुली भी करता है क्या, और जो यी है क्या वो नाजायज़ बच्चा है फैंग फैमिली का। मतलब लोग यी को ही फैमिली का मानने के लिए नहीं तैयार है, उसका रिलेशनशिप ज़बरदस्ती फैंग फैमिली से जोड़ रहे हैं। तो बहुत बोलने के बाद भी ये जो हमारी लिंग भाई है वो कोई आंसर वंसर देती नहीं है। और क्या कहते हैं होस्ट बोलता है कि आप प्लीज़ जो हमारा शो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, और नहीं तो कुछ मत पूछिए, ये इंटरव्यू फिर यहीं ख़त्म करते हैं। और तभी सब लोग बोलते हैं कि मिस ही प्लीज़ कुछ तो बोलिए, लेकिन लिंग भाई किसी का नहीं सुनती और चले जाने लगती है। और तभी वो अपने चेंजिंग रूम में पहुंचती है, और उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट होती है वो पूछती है आपने बाहर किसी को कुछ क्यों नहीं समझाया, तो आप समझा देते कि वो आपका कज़न है तो ये ठीक रहता, और आपकी फैमिली ने भी तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ किया था, और ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, और इससे जो प्रेस थी वो भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। और तभी लिंग भाई बोलती है मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उन सब का फोकस अपने ऊपर करना चाहती थी, मैं जितनी देर शांत रहूँगी चुप रहूँगी उनकी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी और उनका फोकस मेरे पे रहेगा, इस वजह से यी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और उसे टाइम भी मिलेगा सारी चीज़ों को सॉर्टेड आउट करने के लिए। तो मेकअप आर्टिस्ट बोलती है ठीक है। और तभी लिंग भाई अपने मन में सोचती है कि ये शायद ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के बारे में हुआ हो, और उन लोगों ने जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया उन्होंने यी से कंसल्ट ना किया गया हो। और वो जानते हैं अच्छे से कि ये सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती थी, फिर भी ऐसा हुआ है, और क्या पता अब ये अपसेट तो नहीं होगा करके। अब क्या होता है, दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे सीईओ की छोटी आंटी यानी कि सीईओ के अंकल की छोटी बहन, यहाँ पर उसने जो बच्चा पैदा करवाया था आईवी के थ्रू, वो बच्चा बॉर्न हो चुका है और उसको इनक्यूबेटर में डाला जाता है, और उसका जो कॉर्ड होता है बेबी कॉर्ड जो होती है वो भी कट जाता है, और ये लोग को बोलते हैं कि आप लोग काटिए करके। तो ये जो कपल है बहुत हैप्पी हो रहा होता है और लेता है, और ये लोग उसकी एम्बिसल कॉर्ड काट देते हैं करके। और तभी डॉक्टर बोलता है कि हमें बेबी को रजिस्टर करना पड़ेगा करके, और कुछ पेपर वर्क भी है जो आपको करने पड़ेंगे। तो सीईओ के अंकल की जो छोटी बहन है वो देखती है और खुश होती है, और उसको सब बधाई देते हैं कि अब आपके पास बच्चा है करके, और ये बहुत खुशी खुशी बोलती है थैंक यू करके। और नर्स आती है बोलती है जो बेबी है बेबी का हेल्थ भी बहुत अच्छा है, और ये उठती है बोलती है मुझे बच्चे को गोद में उठाने दो करके, और ये बच्चे को गोद में लेती है और देखती है कि बच्चा बहुत क्यूट है, बोलती है बहुत क्यूट है। और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते हैं कि ये हमारा बच्चा है तो हम इसको एक निक नेम देते हैं। तो जो ये हमारी
जिन याओ की छोटी आंटी हैं वो बोलती है ठीक है मैं सोचती हूँ ऐसा कैसा रहेगा कि हम इसे बिग हेड के नाम से पुकार रहे हैं। अब क्या होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो रूरू है वो अपनी डकी का नाम बिग हेड रख रहा है और बोलता है चलो हम वहाँ खेलते हैं करके, और जो छोटी डकी है वो बोलती है अरे मुझे ऐसे नाम से मत पुकारो, और रूरू बोलता है क्या तुम खुश हो, तो जो डकी होती है वो बोलती है नहीं मैं खुश नहीं हूँ, क्वैक नो ऐसे करके आंसर देती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो सीईओ का कज़न है वो सोचता है कि नाजायज़ बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, और डैड के जो है वो पहले से ही दो बच्चे थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनका कोई दूसरा भी बच्चा हो वो भी किसी और औरत से, और तभी वो लोग बोलते हैं कि लगता है मीडिया कुछ भी फालतू बकवास कर रही है, माँ आपको रोने की ज़रूरत नहीं है डैड सब एक्सप्लेन करेंगे, और डैड जो है जितने भी रिपोर्टर्स थे उनसे भी बात करेंगे और पता करेंगे कि ये किसने मतलब ऐसा सब फैलाया है, जबकि इन सब के पीछे यही आदमी है, और वो सोचता है कि किसने ऐसा सोचा होगा कि घी की माँ से उनके डैड ने मतलब शादी करी होगी सीक्रेटली, क्योंकि ये भी यही सोच रहे हैं कि कहीं घी इनका भाई तो नहीं है करके, और तभी वो ये भी सोचता है कि लेकिन वो हमारे फैमिली का यदि बेटा है तो वो ही फैमिली का मेंबर क्यों है करके, पर हमारी जो फैमिली है उन्होंने तो एक स्टेटमेंट वैसे भी रिलीज़ किया था, और ये सब कुछ एकदम नॉनसेंस सा लग रहा है करके, और ये जो उनका कज़न है ये अपने ही मन में कुछ ना कुछ प्लान बना रहा होता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यी और पैंग वैंग एक ही गाड़ी में बैठ कर ट्रैवल करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, एक नर्वस है और दूसरा सीरियस है। अब फ़ोन बजता है और यी बोलता है हाँ माँ बोलो, तो उसकी माँ बोलती है क्या तुम अपने रास्ते में हो, क्या तुम अपने ग्रैंडफादर से मिल चुके हो, तो ये बोलता है हाँ मैं रास्ते में हूँ और जिन याओ के साथ में हूँ, और तभी मिसिस ये बोलती है कि तुम्हारे डैड और मैं जो हूँ रूरू को पिक करने जा रहे हैं किंडरगार्टन से, तो जब तुम अपने ग्रैंडफादर को मिलो तो उनको बोलना कि वो काम डाउन रहे और थोड़ा सा रीज़नेबल बिहेव करना, और ऐसा कह के दैट्स इट बोलती है, और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे स्टे काम रहना और क्या कहते हैं रीज़नेबल भी रहना लेकिन कैसे रीज़नेबल रहना, और तभी बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ और करके फ़ोन रख देती है, और तभी सोचता है इसका क्या मतलब था कि ग्रैंड फादर को क्या फाइट स्टार्ट करना है और क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ करके। अब क्या होता है, यहाँ पर दिखाते हैं चाय वाय सब रेडी है और मिस्टर ही बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा जो ग्रैंडसन है वो तो अभी तक यहाँ पर आया भी नहीं है, मुझे लगता है वो मेरे से डर गया है और वो यहाँ नहीं आएगा, तो सीईओ के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जल्दी की क्या ज़रूरत है, मेरा अभी तक तुम्हारा खुद का ग्रैंडसन भी नहीं आया है, और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि दोनों फाइट कर ही लेंगे करके, तभी दरवाजे पर आवाज़ होती है और ये तीनों लोग इधर उधर देखते हैं और एकदम स्ट्रेट होकर बैठ जाते हैं। अब ये दोनों इनके घर के बच्चे हमारे सीईओ और ये हाजिर हो जाते हैं, तो सीईओ अपने ग्रैंडफादर को दिखता है और बोलता है ग्रैंडपा, और उधर पे मिस्टर और मिसेस ही जो है उनको भी वो हेलो करता है लेकिन ये लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और तभी ये बोलता है कि हेलो ग्रैंडपा ग्रैंडमा, और ये दोनों की आँखों में एक चमक सी आ जाती है और मुस्कान भी आ जाती है और बोलते हैं अरे तुम आ गए बेटा यहाँ पर, और तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि तुम यहाँ तक बस इसी मैटर ट्रैवल मैटर के लिए यहाँ तक आए हो, तुम काफ़ी थक गए होगे, और मिसेस ही बोलती हैं हाँ ये सही बात है तुम थक गए होगे, क्योंकि यहाँ पर ना एक आदमी आया है और ना बोल रहा है कि सो कॉल्ड अपने ग्रेट ग्रैंड का सन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और देखो मेरे ही को कितना प्रीशियस टाइम सेक्रीफाइस करके यहाँ आना पड़ा करके, तो ये बोलता है नहीं ठीक है कोई बात नहीं, और वो मिस्टर फैंग को मिलता है बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो मिस्टर फैंग बोलते हैं ठीक है तुम सीट पे बैठो। अब ये दोनों लड़के जो हैं सीट पे बैठ जाते हैं और इनके जो ये ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इनको एकदम घूर घूर के देखने लगते हैं और पूछते हैं कि रूरू क्यों नहीं आया, और मैंने तुमको कहा था कि तुम रूरू को लेके आना, फिर तुम लोग अकेले क्यों आ गए, तो बेचारा सी और यी एक दूसरे को देखते हैं और यी बताता है कि मेरे माँ बाप जो है रूरू को किंडरगार्टन से पिक करने गए हैं, और
तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि तुमने सुना मेरी डॉटर जो और मेरा सन लॉ जो है वो रूरू को किंडरगार्टन से पिक करने गए हैं। और तभी ना जिन याओ हमारे सीईओ के ग्रैंडफादर बोलते हैं और कि तुम कैसे किसी स्ट्रेंजर को मतलब कैसे किसी अजनबी को रूरू को पिक करने भेज सकते हो। और तभी इन दोनों में झगड़ा हो जाता है ये बूढ़े बूढ़े लोगों में, अरे कि तुम स्ट्रेंजर हो गए, तुम स्ट्रेंजर हो गए, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, तुम तो बूढ़े हो करके, और ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं अपने ग्रैंडसन के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें क्यों गिल्टी फील हो रहा है, तुम अपना मुंह बंद रखो। वो दूसरा आदमी बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो। तो ये दोनों जो ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और सीई को तिरछी नज़र से देख रहा होता है और सोच रहा होता है। और तभी बीच में से बोलता है कि रूरू हमारा बच्चा है, ही का भी है और मेरा भी है और हम दोनों उसके फादर्स हैं। तो सब के सब शांत हो जाता है और उसने में सीईओ के ग्रैंडफादर बोलते हैं मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है कि तुमने अपना एग को फर्टिलाइजेशन करा था एडवांस में और ये अभी भी इम्पॉसिबल है कि दो आदमी लोगों को बच्चा हो और या फिर ये जो यी है वो लड़की हो तभी इसको बच्चा हो सकता है। और तभी सीईओ बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रूरू हमारा बच्चा है करके। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है ठीक है, हम लोग पेनिट्री टेस्ट करेंगे यानी कि हम डीएनए टेस्ट करेंगे। तो मिस्टर ही बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि तुमको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होगा क्योंकि मिस्टर ही को लगता है कि वो यी का बच्चा है पर इनफैक्ट वो वाकई में इन दोनों का बच्चा है। तो यी भी बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है और मैंने पहले से ही ये टेस्ट किया था और मैंने सीईओ के मतलब जिनयाओ का हेयर सैंपल यूज़ किया था और जो रूरू है वो टेक्निकली जो है और बायोलॉजिकली हमारे सीईओ का बच्चा है। ये बात सुन के जो हमारे सीईओ के दादाजी हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, वहीं मिस्टर ही भी शॉक्ड हो जाते हैं, मिसेस ही भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या हो रहा है। अब ये दोनों पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है और वे बोलते हैं कि रूरू को तो हमारा ग्रेट ग्रैंडसन होना चाहिए। और तभी मिस्टर फैंग जो है हमारे सीईओ के दादा बोलते हैं रूरू जो है वो जिनयाओ का पहला बच्चा है, वो हमारी फैमिली से बिलोंग करता है। तो सीईओ यी की तरफ देखता है और वो पूछता है कि यी, क्योंकि ये बात सीईओ को भी नहीं पता है कि यी ने कब डीएनए टेस्ट किया था। और तभी यी बोलता है कि लेकिन रूरू जो है वो मेरा भी बच्चा है और मैं वहाँ था जब रूरू बॉर्न हुआ था और मैंने उसे बहुत छोटे से टाइनी से बड़े होते हुए देखा है और वो एक बहुत ही लाइवली और हेल्दी किड है और उसका जो फर्स्ट बर्थडे पार्टी हुआ था उसने पहली बार चलना सीखा था, जो उसने पहला शब्द बोला था, जब उसका पहला दांत गिरा था, मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी उसकी। और वो बोलता है कि ऑल दो वो उसमें सिर्फ जिनयाओ का ही ब्लड है लेकिन वो मेरा भी बच्चा है। और तभी सीईओ बोलता है कि हाँ रूरू हमारा बच्चा है। अब ये तीनों ग्रैंड पेरेंट्स का मुंह खुला का खुला रहता है। तभी हमारे ग्रैंडफादर पूछते हैं सीईओ के कि तो तुमने उसको क्यों पाला पोसा। फिर बोलते हैं एक मिनट रुको, तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो सीईओ बोलता है कि ग्रैंडफादर कि जो तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि यी को तुम्हारे बच्चे को बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी और ऐसा इतना एडोरेबल और इतना क्यूट बच्चा कैसे जिनयाओ का हो सकता है और उनको ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएंगे। तो सीईओ बोलता है कि हम लोग और तभी यी बोलता है कि हाँ मैं ये सब तुम्हें आप लोगों को किसी और दिन एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे जिनयाओ के साथ बात करनी है, हम दोनों को ये चीज़ें कैसे फिंगर आउट करनी है ये अभी भी देखना है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है हम लोग तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का वेट करेंगे। मिस्टर ही बोलते नहीं मुझे तो अभी ही एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि हम दोनों प्यार में हैं। सीईओ बोलता है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। अब ये बात सुन के कि सीईओ और यी रिलेशनशिप में हैं ये तीनों बूढ़े लोगों की आंखें फट सी जाती है और इनको बहुत बड़ा शॉक लगता है। और यी धीरे से बोलता है कि जिनयाओ क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है,
तुम उन लोगों को ऐसे कैसे बता सकते हो, और ये लोग तो पहले से प्रिपेयर भी नहीं थे और हम लोग अभी भी चीज़ों को स्लोली ले रहे थे। और तभी सीईओ बोलता है सॉरी मैंने ठीक से सोचा नहीं था, अगली बार तुम ऐसे सब कुछ करने से पहले मेरे से पूछ लिया करो, ये बहुत ही सीरियस मैटर है करके ही बोलता है। अरे यदि ये लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी तभी तो ये लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो सीईओ बोलता है ठीक है जो भी तुम कहो। और फिर ये दोनों कुछ खुसफुस करते हैं कान में, और हमारा जो सीईओ है वो हर चीज़ में हाँ हाँ बोलता है। लेकिन ये तीनों बुड्ढे जो होते हैं और वो मन ही मन को सोचते हैं कि ये दोनों प्यार में हैं, दोनों प्यार में हैं। और एक आदमी हाथ मारता है, बोलता है क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, ये हमारे सीईओ के ग्रैंडफादर होते हैं, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम रिलेशनशिप में हो वो भी एक आदमी के साथ। तो सीईओ बोलता है ग्रैंडफादर मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ करके। तो ग्रैंडफादर पूछते हैं हाँ तो फिर क्वीन का क्या करना है, वो जो लड़की इनकी बिजनेस पार्टनर है उसका क्या करना है, और तुम लोगों को तो अभी तक शादी कर लेनी चाहिए थी और तुमने सोचा है फिर दोनों फैमिलीज का क्या होगा करके, और ऐसा करके उसको बोलते हैं तुम गधे हो करके। और तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि तुमने कैसे, तुम्हारी हिम्मत हुई ही के साथ रिलेशनशिप रखने की जबकि तुम किसी और के साथ इंगेजमेंट में हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है करके, और मैं तुम्हारे पाँव तोड़ दूंगा लड़के। तो मिसिस ही बोलती है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, और सीईओ समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है। और तभी मिसेज ही बोलती है लेकिन तुम इंगेज्ड हो। तभी ये जो है बोलते हैं तुमने क्या ये को चीट करना चाहते हो, तुम टोटली एकदम ही बेकार आदमी हो। तो ये बोलता रहे सब लोग शांत हो जाओ। तभी हमारे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम जिन यहाँ पे कैसे चिल्ला सकते हो, वो मेरा ग्रैंडसन है, तुमको कोई राइट नहीं है उसको डांटने का। और तभी मिस्टर ही बोलते हैं तुम्हारा ग्रैंडसन ने मेरे ग्रैंडसन के साथ में मैसअप कर दिया है और तुम उसको ठीक से नहीं सिखा सकते इसलिए मैं उसको सिखाऊंगा। और दोनों ये बुढ़े जो होते हैं एक्चुअली जिनयाओ को डांटने की जगह खुद ही लड़ पड़ते हैं। और तभी जिनयाओ बोलते हैं कि ग्रैंडपा एंड मिस्टर ही आप लोग दोनों काम डाउन हो जाओ, और हमने अभी तक जो हूँ मैं कभी भी अनफेथफुल नहीं था यहीं से, और पहले तो हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही थे और बाद में मैंने सारी जो चीज़ें थी क्वीन के साथ क्लियर कर ली थी, तो हमारे बीच में कुछ नहीं है। और यी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि यी वो एक आखिरी और पहला इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ, ऐसे करके सीईओ हमारे यी से कन्फेस करता है। और ये सारे के सारे लोग उसका हाथ देखने लगते कि कैसे उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं सीईओ के मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम एक आदमी के साथ नहीं हो सकते। और इधर पे मिस्टर ही और मिसेस ही बोलते हैं हम भी ऐसा नहीं होने देंगे, ये ही के लिए सही आदमी नहीं है। तो दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं और थोड़ा सा उसको दबाते हैं। और तभी सीईओ बोलता है कि मैं आप लोगों का अप्रूवल नहीं जानना चाहता हूँ, मतलब मैं आप लोगों की परमिशन नहीं ले रहा हूँ। और तभी ना रूरू आता है और बोलता है ही इट्स रियली यू, तुम वाकई में यहाँ पर हो। तो जो ही है वो उठता है और रूरू को गोद में उठाने लगता है। तो रूरू बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो ये बोलता है ऑफकोर्स मैंने भी तुम्हें मिस किया। अब ये जो सीईओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो भी रूरू को देखते हैं, सीईओ भी रूरू को देखता है। अब यहाँ पर यी के पेरेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि ये लोग लेट हैं और इनको कोई वेलकम नहीं करता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम खुद ही अपने आप को वेलकम कर लेते हैं। अब जो मिस्टर यी है वो बहुत खुश होता है और अपने सास ससुर को मॉम डैड कह के बुलाता है, और मिसेज यी के तो ये मॉम डैड हैं ही तो वो मॉम डैड कहती है और साथ में मिस्टर फैंग को भी हेलो कहती है। अब ये तीनों लोग टेंस हो जाते हैं। तभी दोनों हस्बैंड वाइफ अपने मन में सोचते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और तभी सीईओ बोलता है कि हेलो मिस्टर एंड मिसेज ही। तो मिसेज ही बोलती है अरे जिन क्या हो तुम, यहाँ पर कैसे चल रहा है। तो तभी ये सोचता है कि अच्छा हुआ माँ तुम आ गई और पूछो मत कि क्या चल रहा है। और तभी जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं हमको कुछ और बात नहीं करनी।
और तभी हमारे सीईओ के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हमें लगा था कि जो है तुम लोगों का फैमिली हमारे बिजनेस में इतनी नाक अड़ा रहा है, पर अब हमें पता चला कि यहाँ तो हम ही फूल बन रहे थे। रूरू तो रूरू को सब लोग देखने लगते हैं, और दादाजी बोलते हैं कि जब सबको पता हो गया कि रूरू जो है पैंग पैंग का चाइल्ड है, तो अब हम लोग चलते हैं और ये दिन को यहीं पे एडजर्न करते हैं, और बोलते हैं कि रूरू को घर लेके आओ अपने साथ, और तुमसे तो मैं घर जाने के बाद डील करूँगा। और तभी जो मिस्टर ही हैं वो उठते हैं और बोलते हैं यूशु इधर आओ। तभी यूशु बोलती है, मतलब यी की मदर बोलती है, हाँ ठीक है मैं आती हूँ। और यहाँ पर रूरू और यी एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। अब ये दोनों ना एक दूसरे को देखते रहते हैं और रूरू को समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है। और तभी जो सीईओ के दादा हैं वो बोलते हैं वहाँ क्या खड़े हो, रूरू को लो और घर चलो। तो सीईओ बोलता है ग्रैंडफादर और रूरू जो है वो यून के साथ रहेगा, मतलब यी की फैमिली के साथ रहेगा, और मैं उन लोगों के साथ जा रहा हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है करके। अब क्या होता है, ये पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर गुस्सा नहीं होंगे क्या, तुमने ऐसा उनको कह दिया और तुम उनके साथ गए भी नहीं। तो सीईओ बोलता है कि मैं उनसे बाद में बात करूँगा। ये दोनों बेचारे अपनी चिंताओं में हैं और वहाँ जो हमारा रूरू है वो अलग ही हैप्पी है। और तभी सीईओ बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ भी तुमसे हाइड नहीं करूँगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ रूरू के बारे में कुछ, और तुम्हें भी ये बात पता होना चाहिए कि मैंने जब अपने एक्स को फर्टिलाइज़ किया था और तुम्हारा बेटा करके, और तुम्हारा भी एग फर्टिलाइज़ किया था। तो ये बोलता है मेरा बच्चा,